नमस्कार, मैं नम्रता शुक्ला, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ राइट्स न्यूज। आइए देखते हैं खबरें विस्तार। जबलपुर स्टंपफील्ड इंटरनेशनल स्कूल में विद्यार्थियों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। रिटायर्ड डीएसपी मनोहर वर्मा के मुख्य आतिथ्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्कूल के प्रिंसिपल मंजीत कोहली के मार्गदर्शन में सभी कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर हरियाली महोत्सव का भी आयोजन हुआ था। इस हरियाली महोत्सव कार्यक्रम में जिन बच्चों ने पुरस्कार प्राप्त किए थे, उन बच्चों को इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने पुरस्कार प्रदान किए और उन्हें सम्मानित किया। सभी बच्चों को पर्यावरण का महत्व समझाया। कार्यक्रम में 6th क्लास तक के बच्चों ने हिस्सा लिया था। कोविड 19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए स्कूल प्रबंधन ने सभी कार्यक्रम सम्पन्न कराए। जी, आज हमारे स्कूल में शपथ ग्रहण समारोह था। बच्चों को लीडरशिप क्वालिटी को सिखाने के लिए इसको किया गया, बहुत ही अच्छे से संपन्न हुआ। श्री मनोहर वर्मा जी रिटायर्ड डीआईजी हमारे मुख्य अतिथि थे। इसके अलावा हमारे स्कूल में हरियाली महोत्सव भी मनाया गया। आज उनकी विजेताओं को हमने सम्मानित किया और मेन उद्देश्य इसका यही है कि एनवायरनमेंट के बारे में बच्चों को प्रेरित किया जाए, बच्चों को बताया जाए कि कैसे आपके पेड़ लगाने से और ऑक्सीजन का आपको सप्लाई मिलेगा और वो आपके लिए ज़रूरी है। खाली भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही चिंताजनक विषय है और उसी माध्यम को आगे ले जाने के लिए और उसी में प्रेरित करने के लिए इस महोत्सव को हमने ऑर्गेनाइज किया। एंड आई थैंक एवरीबडी फॉर डूइंग दिस एंड आई विश गुड लक टू एवरीबडी एंड टू द पीपल हु आर ऑर्गेनाइजिंग दिस हरियाली महोत्सव। गुड लक टू ऑल ऑफ देम। मेरा नाम मिसेस मनजीत कोहली, प्रिंसिपल स्टेनफील्ड इंटरनेशनल स्कूल। थैंक यू जी। स्कूल की चेयरपर्सन बोल रही हूँ। मेरे स्कूल में ऑनलाइन हरियाली महोत्सव का फंक्शन हुआ था, जिसमें हमारे बच्चों ने उसमें भाग लिया, उन्होंने उसमें प्राइज भी लिया। छोटे क्लास से लेके 6th क्लास तक के बच्चों ने लिया, उन्होंने थोड़ा प्राइज भी लिया। उनका उनके पेरेंट्स को भी अच्छा लगा कि उन्हें प्राइज मिला। ऑनलाइन भी हमारे यहाँ सेशन चलता है, हर चीज़ में, क्राफ्ट में भी हो रहा है, साइंस में भी हो रहा है और हिंदी लेसन में भी हो रहे हैं। कॉम्पिटिशन पूरे 2 साल से चालू है, भले वो स्कूल बंद है पर ऑनलाइन स्कूल चालू है, पर उसमें सब कॉम्पिटिशन वगैरह जैसे रेगुलर स्कूल में होते थे वैसे हमारे ऑनलाइन चालू है और उसमें बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और प्राइज भी देते हैं। हाँ, मेरा नाम मधु जयसवाल। आज आप स्कूल में आए सर, बतौर गेस्ट चीफ गेस्ट, क्या प्रोग्राम था, क्या कहना चाहेंगे बच्चों के लिए? एक्चुअली इस स्कूल के स्टूडेंट्स की एक जो यूनियन है, काउंसिल है, वो इलेक्ट हुई थी। इलेक्ट होने के बाद आज उसका छोटा ग्रह समारोह था, तो उसी समारोह में मुझे भी सौभाग्य मिला था आने का कि उसके भी बीच में आए। बच्चों का जो कार्यक्रम था, जिस तरह से उन्होंने पूरे कार्यक्रम में अपना कंडक्ट किया, मार्चिंग की, वहाँ पर बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छे तरीके से उस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया गया था। और कुल मिलाकर के जो स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं और पर्टिकुलर जो डायरेक्टर हैं, उनमें एक भीड़ है कि वास्तव में उन्होंने उनके जो स्टूडेंट्स हैं, उन्हें योग के स्टूडेंट्स बनाना है, तो उस भीड़ के साथ में उस इंस्टीट्यूट को पढ़ते हैं जो आप पूरा अनुभव है, बहुत अच्छा लगा। शेयर करने से निश्चित तौर पर लगता है कि हिंदी राष्ट्र निर्माण में भी अपनी जो